उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की अनोखी घटना। पहली शादी छिपाकर की दूसरी शादी, दूसरे को लूट कर की तीसरी शादी। थाने पहुंच पीड़ित बोला, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कानपुर के बाबूपुरवा के न्यू लेबर कॉलोनी निवासी टीवी एंकर अमित शर्मा की नवविवाहिता पत्नी घर से 5 लाख के गहने 50,000 कैश लेकर फरार हो गई। पीड़ित ने बाबूपुरवा थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया कि गोविंदनगर निवासी महिला ने अपनी पहली शादी का तथ्य छिपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। अपनी पहली शादी का तथ्य छिपाने के बाद जून 2020 को आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। 23 नवंबर को घर छोड़कर भाग गई। खोजबीन में पता चला कि महिला ने इसी साल 2 जुलाई को अपनी दोनों शादियों का तथ्य छुपाकर किसी अन्य युवक से तीसरी शादी भी कर ली है। उन्होंने पुलिस के सामने प्रमाण के रूप में तीसरी शादी का वीडियो पेश किया। थाना प्रभारी देवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है, महिला से संपर्क कर उसे थाने बुलवाया गया है। जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। अमित शर्मा ने पुलिस को बताया कि गोविंदनगर कच्ची बस्ती की रहने वाली रुचि वर्मा से उसका प्रेम प्रसंग था। दोनों काफी दिनों से एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। प्रेम संबंधों के बीच दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। पिछले साल लॉकडाउन में 4 जून को आर्य समाज मंदिर में घर वालों की रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली। कोरोना काल में हुई इस शादी में घर के लोग ही मौजूद थे। आर्य समाज मंदिर में हुई इस शादी का उसके पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है। पीड़ित अमित ने बताया कि प्रेम विवाह के बाद वे दोनों खुशी खुशी एक साथ जीवन गुजार रहे थे। शादी के बाद 4 महीने बाद पत्नी की माँ उसके घर आ गई और 23 सितंबर को परिवार में शादी होने की बात कहकर उसकी पत्नी को साथ लेकर चली गई। पत्नी रुचि घर के बाहर जाने से 50,000 की नकदी और जेवरात भी साथ ले गई थी। मायके जाने के कुछ दिन बाद जब उसने पत्नी रुचि को फोन किया तो उसका फोन बंद मिला। फिर वह पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। यहां पत्नी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने पत्नी को काफी समझाया बुझाया लेकिन वह नहीं मानी। पत्नी बेवफाई से परेशान होकर उसने जांच पड़ताल शुरू करवा दी और बताया कि पत्नी के बारे में जानकारी जुटाते जुटाते वह आर्य समाज मंदिर में पहुंचा। यहां उसे पत्नी की दूसरी शादी का वीडियो मिला। वीडियो देखकर उसके होश उड़ गए। तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने बिना तलाक दिए ही दूसरी व्यक्ति से शादी कर ली है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने 2 जुलाई 2021 को दूसरे व्यक्ति से शादी की है। पीड़ित ने पत्नी और उसके परिवार वालों पर ठगी का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस में तहरीर दी है। पीड़ित का आरोप है कि रुचि अब तक 3 शादियां कर चुके हैं। मामले में जब पुलिस से जानकारी चाही गई तो उसने बताया कि पति की शिकायत की जांच की जा रही है। 8 महीने पहले भी पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, मामला थाने आया था लेकिन तब दोनों में समझौता हो गया था। अब पति ने बगैर तलाक के शादी और घर से पैसे ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।